एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में बौद्ध धर्म से काफी क्वेश्चंस आते हैं कि अष्टांगिक मार्ग क्या है, और इस तरह के बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत सारे टर्म हैं जिसके क्वेश्चन आता है, सम्यक दर्शन, सम्यक संकल्प, ये सब किस किस से संबंधित है। थोड़ा सा इसका रिवाइज कर लेना आवश्यक है कि बौद्धिक धर्म में वैदिक धर्म और जैन धर्म से काफी समानता है, क्योंकि इसमें मोक्ष प्राप्ति को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य माना जाता है। इसमें मूर्ति पूजा तो नहीं किया जाता, बाद में बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा शुरू हो गई। इसमें पुरातनवादी दृष्टिकोण का खंडन किया और नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के अस्थायित्व एवं नए विचारों के उदय में अवरोध उत्पन्न कर रहा था, उसको खत्म किया, कर्म कांड का खंडन किया, और इसमें अहिंसा का सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण। बुद्ध के अनुसार इच्छाएं मनुष्य के जीवन में दुखों का कारण है, इच्छा ही दुख का कारण है, ये अपने अष्टांगिक मार्ग में इन्होंने दिया। इन दुखों से मुक्ति पाने और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग महत्वपूर्ण साधन है। अष्टांगिक मार्ग नाम से स्पष्ट हो गया कि कितने मार्ग हो गए, 8 मार्ग हो गए। अब 8 मार्ग हो गए तो पहला मार्ग था सम्यक दर्शन। सम्यक में सोचा समान, यानी सम्यक दर्शन यानी 4 सत्य पर विश्वास करना चाहिए। सम्यक संकल्प यानी मानसिक और नैतिक विकास का संकल्प। सम्यक वाक, वाक में बोल, झूठ ना बोलना और वाणी से किसी को कष्ट ना पहुंचाना। सम्यक कर्म यानी किसी को अपने कर्म से पीड़ा ना हो, ऐसा कोई काम ना करे जिससे दूसरे को दुख पहुंचे। सम्यक जीविका यानी जीविकोपार्जन से किसी अन्य को हानि ना हो, ऐसा कोई जीविका नहीं करे जीविका का जिससे दूसरे को हानि हो। सम्यक प्रयास यानी स्वयं को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहना। सम्यक स्मृति यानी ज्ञान को समझाने के लिए बुद्धि का उपयोग। और सम्यक समाधि यानी निर्माण प्राप्त। ये 8 मार्ग हो गए। सम्यक दर्शन जो सत्य पर विश्वास से संबंधित है, सम्यक संकल्प जो मानसिक और नैतिक विकास के संकल्प से संबंधित है, सम्यक वाक यानी सत्य बोलने और वाणी से किसी को कष्ट न पहुंचाने से संबंधित है, सम्यक कर्म अपने कर्म से किसी को पीड़ा ना पहुंचाने का संकल्प है, सम्यक जीविका जीविकोपार्जन से किसी अन्य को हानि ना हो इसके संदर्भ में यह मार्ग है, सम्यक प्रयास यानी सब प्रयासरत रहना, ये सम्यक प्रयास हुआ, सम्यक जागृति यानी ज्ञान को समझाने के लिए जो बुद्धि का उपयोग होता है वो सम्यक जागृति, और सम्यक समाधि निर्वाण प्राप्त करना ही हो गया सम्यक समाधि। इसके बाद जब बौद्ध धर्म आया उस वक्त कई शासकों का संरक्षण मिला, अशोक का भी नाम आपको पता है हाँ? इसके अतिरिक्त 4 प्रमुख बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थी, ये ध्यान में रखना होगा, हम तो पहले भी डिस्कस किए थे, रिवाइज कर लें। प्रथम बौद्ध की राजगृह में आयोजित की गई, क्योंकि बीपीएससी में हमको लगता है कम से कम 50 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। जगह का नाम, कौन सी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, क्योंकि बौद्ध धर्म बिहार से संबंधित है तो इसपे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी, राजगिरी में, और इसका अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप। इसका आयोजन 483 ईसा पूर्व अजात शत्रु के कार्यकाल में किया गया था। किसके शासनकाल में, अजात शत्रु के शासनकाल में। कहाँ हुई थी, राजगिरी में। कौन था अध्यक्ष, महाकश्यप। इस संगीति में विनय और धर्म का संग्रह किया गया, इसका विनय और धर्म। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन भी किया गया और उन्हें सूत पिटक एवं विनय पिटक नाम के 2 पिटकों में वर्गीकृत किया गया। यानी अब भी क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म के जो थे सूत पिटक और विनय पिटक, 2 पिटक जो थे वो किस बौद्ध संगति में हुए, प्रथम बौद्ध संगति। 4 विकल्प है, चूंकि 4 संयोग से 4 संगति भी हुई थी, अब प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी, तो यह ध्यान में रखना होगा कि प्रथम में हुआ था का वर्गीकरण। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था, और कब हुआ था, 383, देखिए 100 साल बाद, 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी और 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। यह कहां हुई, वैशाली में। प्रथम कहां हुई, राजगृह में। द्वितीय कहां हुई, वैशाली में। प्रथम का अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप। द्वितीय का अध्यक्ष कौन था, सुबुकामी। सुबुकामी इस समय मगध का शासक कौन था, कालाशोक। और उस समय प्रथम के समय कौन था, अजात शत्रु, ठीक है, और द्वितीय के समय शासक कौन था, कालाशोक।
इस संगीति में बौद्ध धर्म के विभाजन महासंधिक और अस्थव्य वाद में हो गया, उसमें सूत पीटक विनय पीटक, इसमें धर्म का विभाजन हुआ महासंघिक और अस्थव्य वाद। अस्थावर और जंगम जो होता है वही अस्थव्य वाद। तृतीय बौद्ध संगीति यह पाटलिपुत्र में हुआ और उस समय कौन थे, सम्राट अशोक थे। यह 247 ईसा देखिए, प्रथम हुआ था 483 में, द्वितीय हुआ था 383 में, तृतीय हो गया 247 ईसा पूर्व में। और इसमें जो दो पीटक थे सूत पीटक और विनय पीटक, उसमें एक और पीटक जोड़ा गया विधम्म पीटक है ना, तथा इसमें कथा वस्तु का संकलन किया गया। कथा वस्तु कहते हैं कि कथाओं के माध्यम से बुद्ध के बारे में लोगों को प्रेरणा देना। इस संगीति में अस्थाव्यवाद संप्रदाय का प्रभुत्व था। ये दो संप्रदाय बने थे महासंघिक अस्थाव्यवाद, इसमें अस्थाव्यवाद संप्रदाय का प्रभुत्व था। अब मोगली पुतिस इस संगति का अध्यक्ष था, मोगली पुतिस ठीक है। और प्रथम में कौन था, महाकश्यप, द्वितीय में शुभकामी, और तृतीय में कौन था, तृतीय में मोगली पुतिस ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, राजगृह में, द्वितीय कहाँ हुई थी, वैशाली में, तृतीय कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में। प्रथम के समय शासक कौन था, प्रथम बौद्ध संगति के समय शासक था अजातशत्रु, द्वितीय बौद्ध समिति के समय में शासक कौन था, और तृतीय समय में अशोक। अब चौथी संगति जो है वह कश्मीर के कुंड लवण में हुआ था, कश्मीर के कहां, कुंडलवन में हुआ था। कब हुआ था, 102 ईसा पूर्व, 102 ईसा पूर्व। फिर से डेट ध्यान में रख लें, प्रथम 483, द्वितीय 383 ईसा पूर्व, सब ईसा पूर्व में जा रहा, तृतीय 247 ईसा पूर्व और चौथी 102 ईसा पूर्व में। प्रथम हुआ राजगृह में, द्वितीय हुआ वैशाली में, तृतीय हुआ पाटलिपुत्र में और चौथा हुआ कुंडलवन में। जो इसमें पिछला जो तीनों है, प्रथम द्वितीय और तृतीय, बिहार में ही हुआ, चौथा जो कश्मीर में हुआ। इस संगीति का अध्यक्ष वासुमित्र था, ठीक है, वासुमित्र, जबकि उपाध्यक्ष अश्वघोष था, और अश्वघोष भी विकल्प में होता, तो अश्वघोष अध्यक्ष नहीं था, कौन था वो, उपाध्यक्ष था। यह संगीति, और अब गाइड में देखेंगे लूसेंट में भी अश्वघोष लिखा हुआ कि चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था, अश्वघोष, लूसेंट गाइड में, तो उस गाइड पे आप नहीं जाएंगे। यह संगीति सम्राट कनिष्क के कार्यकाल में हुई, इसके काल में कनिष्क काम काम, अब सबका काम काम कार्यकाल आपको पता हो गया। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में, द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय, तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय और चौथा कनिष्क के कार्यकाल, ठीक है। इस संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, हीनयान और महायान। प्रथम में सूत पीटक विनय पीटक है ना, द्वितीय में क्या हुआ, बौद्ध जो है वो दो भाग में बट गया, किस भाग में बटा, महासंधिक और अस्थाव्यवाद, ठीक है। तृतीय में बटा तो नहीं है, लेकिन जो पीटक था उसमें एक और पीटक जुट गया अभिधम्म। चौथी बौद्ध संगीति जो थी उसमें दो भाग में बट गया, हीनयान और महायान। ये भी ध्यान रखना है किस बौद्ध संगति में दो संप्रदाय बटा था, हीनयान और महायान। चौथी किसके शासनकाल में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में। कौन था अध्यक्ष, वासुमित्र। अश्वघोष कौन था, उपाध्यक्ष, ठीक। इस दौरान संस्कृत भाषा का उपयोग वृहत स्तर पर किया गया। इस दौरान विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की गई। यह अंतिम बौद्ध संगति थी, चौथी बौद्ध अंतिम बौद्ध संगति थी, और इस समय संस्कृत भाषा में विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना। अब जो हीनयान और महायान है, बारे में कुछ देख लें। हीनयान या इसको थेरवाद भी कहते हैं, इसमें वे संप्रदाय लोग शामिल थे जो प्रमुखतः रूढ़िवादी विचारधारा से संबंधित थे। वे बुद्ध की शिक्षाओं को ज्यों का त्यों पालन करने में विश्वास रखते थे, बुद्ध की शिक्षा पर नहीं थे। बुद्ध महापुरुष अवश्य है लेकिन नहीं है, इस समुदाय का मानना था। ये बुद्ध नहीं करते थे, और इस मत की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, कश्मीर में हुई थी, सौ तांत्रिक तंत्र मंत्र से संबंधित, और सौ को तांत्रिक तंत्र मंत्र से संबंधित। इस संप्रदाय में साधना अधिक कठोर थी,
किन्यान संप्रदाय में भिक्षु जीवन जीने पर बल दिया जाता था। धर्म त्राक घोषक वशुमित्र बुद्धदेव इत्यादि इस संप्रदाय के प्रमुख आचार्य। किन्यान संप्रदाय में बुद्ध के जीवन से चार पशु जुड़े हुए हैं। बुद्ध के घर में आने का प्रतीक हाथी को माना जाता है। देखिए इससे भी यूपीएससी में कई क्वेश्चन आया हुआ है। बुद्ध के घर में हाथी को बुद्ध के घर में आने का प्रतीक, सांड को बुद्ध के यौवन का प्रतीक, गृह त्याग का घोड़ा का को बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक और शेर को बुद्ध की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, घर में आने हाथी, यौवन, सांड, गृह त्याग घोड़ा और समृद्धि शेर। आगे हीनयान भी दो संप्रदाय में बट गया, वैभाष्ट और सौतांत्रिक में बट गया, है ना। हीनयान के अन्य प्रमुख समुदाय थे सर्वास्तिवाद और समित्या। महायान संप्रदाय की बात करें तो महायान संप्रदाय के अनुसार निर्माण के लिए व्यक्ति को किसी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। प्रेरणा और सहायता के लिए बोधिसत्व को माना जाता है। बोधिसत्व को निर्माण प्राप्त होते हैं। महायान बौद्ध मत के दो अन्य संप्रदाय हैं शून्यवाद का एवं विज्ञानवाद या योगाचार। ठीक है, शून्यवाद क्या है? इस मत के प्रवर्तक नागार्जुन थे जिसकी प्रसिद्ध रचना कारिका, माध्यमिक कारिका। शून्यवाद से तात्पर्य अस्तित्व शून्यता में है। चंद्रकीर्ति, शांति देव, आर्य देव और शांति रक्षित इस मत के प्रमुख विद्वान थे। बुद्ध पालित और भाव विवेक पांचवी सदी में शून्यवाद की प्रमुख भाषा का थी। विज्ञानवाद की बात की, विज्ञानवाद मत का विकास 20वीं सदी में मैत्रेय नाथ द्वारा किया गया था। यह मत केवल विज्ञान की ही एक मात्र सत्ता को स्वीकार करता है। इसमें और आचरण पर विशेष बल दिया गया। असंग द्वारा लिखा गया सूत्र अलंकार धर्म से संबंधित प्राचीनतम ग्रंथ है। इसका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ अवतार सूत्र है ना। सूत्र अलंकार असंग द्वारा भी प्रश्न पूछा जाता है। बोधिसत्व, बोधिसत्व 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करने वाला बोधिसत्व कहलाता है। ठीक है, बोधिसत्व का लक्ष्य बुद्धत्व को प्राप्त होना है। तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुसार बोधिसत्व मानव जीवन जीने में प्राप्त करने योग्य चार उत्कृष्ट अवस्थाओं में से एक है जो लोगों को ज्ञान के मार्ग पर चलने में सहायता करते हैं। ठीक है, इसमें बोधिसत्व को देवता समान माना जाता है। अब लोकितेश्वर, मंजुश्री, वज्रपाणि, आकाश गर्भ, शंपर भ्रत, भैषज राज, मैत्रेय, देवती तारा जो प्रज्ञा की अवतार है, कुछ मूर्तियों में बोधिसत्व के साथ दिखाई देती है। इसे प्रज्ञा पारमिता भी कहा जाता है। महायान के अनुयायी प्रज्ञा पारमिता, मंजुश्री और अवतेश्वर की उपासना। इस तरह से बौद्ध के बारे में, बौद्ध के जो भी अष्टांगिक मार्ग है उसके बारे में हम लोग क्लियर हो लेते हैं।